नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मेलों और उत्सवों की रौनक लौट आई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि दिल्ली में लगता है, वो इसी बात का उदाहरण है। आइए देखते हैं ये साल कैसा रहा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में आयोजित होने वाला ये मेला बीते चार दशक में एक अलग अंतर्राष्ट्रीय पहचान अर्जित कर चुका है। 41वां विश्व व्यापार मेला भी अपने आप में खास रहा। कोरोना काल के दौरान हुए आर्थिक नुकसान के बाद व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर इस मेले से एक उम्मीद बंधी। मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवम्बर को किया। 14 से 27 नवंबर तक चले इस मेले की थीम रही वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। मेले में आए उत्पाद विशेष रूप से वोकल फॉर लोकल से ही जुड़े नजर आए। मकसद साफ है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के स्थानीय स्तर के कलाकारों और कारीगरों की कला को एक व्यापक मंच प्रदान करना और उनकी आजीविका को बढ़ाना। इसके साथ ही मेले में आजादी का अमृत महोत्सव की भी झलक देखने को मिली। ये 41वां संस्करण है और सभी लोग इंतजार करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी इंतजार करते हैं, बच्चे इंतजार करते हैं, फूडी लोग इंतजार करते हैं, जो लेडीज लोग होती है किचन के आइटम के लिए इंतजार करते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस मेले में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ होता है। और आर्टिजन जो हैं वो करीब 200 से ज़्यादा आर्टिजन यहाँ आपको मिलेंगे जो कि वेरियस स्टेट से आते हैं। और रादर ये मेला इटसेल्फ एक मिनी इंडिया बन जाता है और मिनी इंडिया से कुछ ज़्यादा बढ़ के मिनी वर्ल्ड हो जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का नारा था वोकल फॉर लोकल, उसी आधार पे ये थीम बनी है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। और आप स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर, प्रधानमंत्री की जो सोच है स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर, हम बातें करें, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स की बातें करें, उसको फैलाएं, उसको प्रमोट करें और अंततः इसको आगे ले जाकर वैश्वीकरण करें। तो हमारी प्रोडक्ट जो है हम स्वावलंबी भी बन जाए, स्वदेशी का भी प्रयोग करें और दूसरे देश भी, विदेशी लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स को ले खरीदें और प्रयोग में लाएं। ये इस तहत ये वोकल फॉर, और हर स्टेट के पवेलियन में आप देखेंगे ना वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल थीम को बहुत प्रचार प्रसार किया गया है। हर पवेलियन के लुक में, छटा में आपको नजर आएगी ये बातें। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, वियतनाम, चीन, ट्यूनीशिया, लेबनान शामिल हुए। तुर्की का ग्लास आर्ट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य में ये कला सर्वाधिक फली फूली थी। तुर्की के स्टॉल पर उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि भारतीयों को भी ये कला बहुत आकर्षित करती है। अफगानिस्तान से आए ड्राई फ्रूट्स और बांग्लादेश की विश्व प्रसिद्ध जामदानी साड़ियों ने भी लोगों को लुभाया। हाथों से बुनी जाने वाली मलमल की ये साड़ियां ढाकाई जामदानी के नाम से जानी जाती हैं। बांग्लादेश की पहचान ये साड़ियां भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पसंद की जाती हैं। GI टैग किसी क्षेत्र विशेष की खासियत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। इस बार के ट्रेड फेयर में GI पवेलियन के नाम से एक अलग पवेलियन था जिसमें ऐसे उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था जिन्हें ये टैग मिला है। इन उत्पादों में उत्तर प्रदेश की ऑर्गेनिक तरीके से उगने वाला धान, कश्मीर की पश्मीना शॉल, गुजरात का बगरू प्रिंट, बंगाल की खूबसूरत डोकरा कला और फिरोजाबाद का ग्लास वर्क शामिल था। इसके साथ ही इस पवेलियन में हाल में GI टैग से सम्मानित मिथिला के मखाने भी प्रदर्शित हुए। वैसे तो ये लगभग हर भारतीय के खानपान का हिस्सा हैं,
लेकिन इनके बारे में अधिक जानने का लोगों को यहाँ पर मौका मिला। साथ ही यहाँ मिथिला पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई। मिथिला पेंटिंग को पिछले साल GI टैग से नवाजा गया था। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र इस बार मेले में भागीदार राज्य रहे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य के रूप में शामिल हुए। मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। पहली बार मेले में लद्दाख की अलग ही भागीदारी रही। इस वर्ष जो पार्टनर स्टेट है हमारे बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, ये पार्टनर स्टेट है। और जो फोकस स्टेट है यूपी और केरला हमारा फोकस स्टेट है। ये आर्टिस्ट अपने सामान को बेचते ही नहीं है, दिखाते भी हैं कि अगर कोई चीज बिना जा रहा है, एक कारपेट है या दरी है तो, या गमछा है तो दिखाता कि हम बिनते कैसे हैं। आपकी क्यूरियोसिटी को पूरा करते हुए आप पूछ सकते हैं उनसे सवाल कि ये कैसे बनता है। आप उसको दिखाते हैं वो कि ये बना कैसे, हैंडीक्राफ्ट आइटम को बना कैसे, पॉटरी का सामान है तो कुछ बनाते हुए भी दिखाएंगे आपको। तो जो आर्टिजन है अपनी कला को दर्शाते भी हैं, दिखाते भी हैं और आपकी क्यूरियोसिटी की वही पूरा करते हैं, आपकी बातों का, सवालों का जवाब भी देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। झारखंड के पवेलियन में इस राज्य की संस्कृति और कला को नजदीक से देखा जा सकता था। यहाँ का पहनावा और यहाँ की वनस्पतियों के साथ साथ यहाँ की कला को लोग देख और समझ पाए। यहीं हम मिले पाटकार चित्रकला के कलाकार विजय चित्रकार से। पाटकार चित्रकला स्क्रॉल पेंटिंग का एक रूप है जिसमें पत्थरों से रंग बनाकर उससे कलाकारी की जाती है। इस पेंटिंग के लिए कहानी भी चित्रकार खुद गढ़ता है और उसे गाकर लोगों को समझाता है। दुर्गा दुर्गा बोले अमार दग्ध होलो कलंक, एक बार देगो मां चरणेर छायां, कुरु पांडवेर युद्धे राखिले नारायणी, राखिले बर्णिक सूते दक्षिण मशानी, कृष्णेर सदय होले मां कंसे होले बाम। झारखंड पवेलियन में लोगों के मनोरंजन के लिए स्थानीय लोक कलाकार भी मौजूद थे। झारखंड के लोक गीतों और धुनों ने दर्शकों को जैसे बांध लिया था। महाराष्ट्र पवेलियन में गूंज रही तुतारी की आवाज किसी जयघोष से कम नहीं थी। लोग बरबस ही तुतारी की आवाज के पीछे खिंचे चले आ रहे थे। शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा के साथ ये तुतारी गजब का दृश्य बना रही थी। लोग छत्रपति की मूर्ति के साथ तो फोटो खींच ही रहे थे, इन तुतारी वादकों के प्रति भी लोगों का आकर्षण देखने लायक था। महाराष्ट्र पवेलियन में विश्व प्रसिद्ध पैठणी साड़ियों ने लोगों का सर्वाधिक ध्यान खींचा। लोग रुक रुक कर देख रहे थे कि ये महिलाएं कैसे हथकरघे से इन सुंदर साड़ियों को बना रही हैं। मेले में किसानों की भागीदारी भी बड़े पैमाने पर रही। स्थानीय मसालों को लेकर आए किसानों ने भी लोगों को असल ऑर्गेनिक उत्पादों के फायदे समझाए। बिहार राज्य की पवेलियन में दर्शकों का स्वागत ही कलाकार कर रहे थे। इस पवेलियन में आने वाले लोगों के लिए कलाकारों का इन कलाओं को वहीं बैठकर उकेरना कौतूहल का विषय था। बिहार राज्य की पहचान बन चुकी मिथिला पेंटिंग की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार शांति देवी ने हमें ये बताया कि इस कला ने उन्हें कैसे प्रतिष्ठा दिलाई। हमारा जो ये मिथिला पेंटिंग एक्चुअली ये राम जानकी के नाम पर हम लोग बनाते थे,
अब जो है जो इसका हमारे गांव में डिस्ट्रिक्ट दरभंगा था, अब हो गया है मधुबनी, तो इसका पेंटिंग का मधुबनी पेंटिंग से विख्यात है ज़्यादातर देश विदेश हर जगह मधुबनी मिथिला पेंटिंग ये है। और तरह तरह का पेंटिंग बनाते हैं, रामायण महाभारत सभी बनाते हैं, पर जाति का बंटवारा हुआ पेंटिंग बनाने में, तो कहा जाए आप अपना स्टोरी बनाए, तो मैं राजा सलहेश का स्टोरी बनाती हूँ, दलित पर लोग वो पूजा करते हैं इसका। आपने जो है ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध पे आपने बनाया है, तो ये कैसे सोचा? ये डेली एक न्यूज पर देखते हैं, तो हमारा पोता कहा जाए ये चीज़ बनाओ, ये देखो झगड़ा हो रहा है, ये सब समझौता बनाओ, तो यही हमने यहाँ से गए हैं, एक दिन आए थे 14 को, फिर हम ये कलर उलर पोत पात के लाए, गोबर गोंद और हल्दी ये सब दे करके, और ये गेरू पिटी सब नेचुरल कलर से हम बनाती हूँ, तो ये सब बनाए हैं और सोच के देखते हैं जो ये कैसा दर्शकों को लगता है। बिहार की सिक्की कला भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का काम कर चुकी है। नदी किनारे उगने वाली एक खास किस्म की घास कैसे एक कलाकृति में परिवर्तित हो सकती है, कोई इन कलाकारों से सीखे। ये घास है एक जंगल में रहता है, ये रेलवे साइड में चाहे ज्यादा जहाँ पर घास उपजते हैं, हरा घास बड़ा बड़ा, तो वहाँ पर घास उपजते हैं, वहाँ पर मजदूर लोग जा करके वो जंगल में थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, पानी जहाँ पर रहता है हमेशा वहीं पर ये घास उपजते हैं, मजदूर लोग आते हैं वहाँ पर से चीर करके फिर उसको दो भाग करते हैं, सुखा करके वो बेचते हैं, हम लोग खरीदते हैं, आ खरीद करके हम लोग अपना घर में सुखा करके फिर वो चावल की तरह उबालते हैं, कलर डाल करके चावल के तरह उबाल करके कच्चा फिर कच्चा पानी में धोते हैं, फिर उससे हम लोग बनाते हैं पानी के साथ। पहले जो है सो पूजा के लिए फुलडाली बनता था, चंगेरी बनता था पूजा में यूज करने के लिए, अब लोग हम लोग अपना बनाने लगे हैं, कान का गला का ज्वेलरी आइटम ज़्यादा बनाने लगे हैं, हम लोग का अच्छा सेल है हर जगह। कर्नाटक के मैसूरू और बेंगलुरु से निकली ये वुडन इनले कलाकारी आज दुनिया भर में मशहूर है। इस कलाकारी में किसी भी रंग का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि अलग अलग रंगों की लकड़ियों को एकत्रित कर फिर कलाकार इन्हें बनाते हैं। जड़ाई वाली ये कलाकारी मैसूरू के राजशाही परिवार की पहचान है। पहले के जमाने में हर शख्स के शरीर पर गोदना गुदवाया जाता था, लेकिन अब ये परंपरा खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से आए इन कलाकारों ने इन्हें कपड़ों पर उकेरना शुरू कर दिया है। ये कला के क्षेत्र में एक नवाचार की तरह सामने आया है, इससे गोदना कला को भी पुनर्जीवन मिला है। इसके साथ साथ कलाकारों को भी नई पहचान और नया काम हासिल हुआ है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पवेलियन में धातु से होने वाली ढोकरा कला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। छत्तीसगढ़ पवेलियन में इस राज्य के स्थानीय सिल्क यानी कोसा की भी धूम रही। जांजगीर जिले के चांपा से आए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बुनकर ने हमें अपनी पुरस्कार प्राप्त साड़ियां दिखाई। किसी पर मेक इंडिया का शेर था, तो किसी पर छत्तीसगढ़ में होने वाली धान की रुपाई की पूरी प्रक्रिया। ये हमने पूरा धान का फसल जो होता है मेन, तो सबसे पहले हम लोगों को नांगर जोताई करना पड़ता है, नांगर जोताई करने के बाद बीजा डालने के बाद
धान का जो पौधा होता है एक फुट का, वो होने के बाद हमने उसको बुआई करते हैं। जब फसल का हमने जो फसल हुआ तो उसका पूरा इसमें बूटी लगा दिया सारी पे, और उसके बाद काटने के बाद हमको किसान लोग उसको हमारे छत्तीसगढ़ के बैलगाड़ी बोलते हैं, तो बैलगाड़ी में ले करके हमने उसको मंडी ले जा रहे हैं। हमारे भूपेश सरकार की जो खरीदी चल रहा है अभी, उसमें हम लोग मंडी जा रहे हैं, तो हमने पूरा उसके दृश्य इसमें बना रखा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेक इन इंडिया का जब निर्माण किया तो हमने सोचा कि जब मेक इन इंडिया बनाए हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में तेली बांधा एक चौक होता है, मैं उसमें इसका पूरा मूर्ति लगा दिए हैं। हमने सोचा कि उस दृष्टि से जो कि अपना प्रधानमंत्री महोदय ने जो मेक इन इंडिया का निर्माण किया, तो हमने सोचे कि एक कारीगर होने के नाते, बुनकर होने के नाते हम उसको साड़ी में बनाए, तो उसको दृश्य लेकर के हमने इसमें मोदी जी का जो ये है उसको हमने इसमें बना दिया। मेले की फोकस राज्य केरल में इस बार दर्शकों को देखने को मिला कि कैसे कारीगर हाथों से ये कथकली गुड़िया बनाते हैं। पेपर मेशी से बनने वाली ये गुड़िया पूरी तरह से हाथों से बनती है। पवेलियन में राज्य के जीआई उत्पादों को विशेष रूप से यहां प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही यहां बेपोर उरू बनाने के तरीके को भी दिखाया गया। बेपोर उरू लकड़ी और नारियल से बनने वाली वो नौका है जो इस साल फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल लोगो है। मेले में घूमते लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण रहे राज्यों के पारंपरिक नृत्य और संगीत, जैसे उत्तराखंड के ये लोक कलाकार। उत्तराखंड पवेलियन पर लोग इन कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए ठिठक रहे थे। इस व्यापार मेले में कई राज्य शामिल हुए और इन राज्यों के उत्पाद न सिर्फ अनोखे और आकर्षक थे बल्कि पवेलियन भी अपने आप में बेहद सुंदर रहे। जैसे कि ओडिशा का ये पवेलियन जो उस राज्य की कला और संस्कृति को बखूबी दर्शा रहा है। मध्य प्रदेश पवेलियन में कलाकार टेराकोटा के पारंपरिक खिलौने लेकर आए थे। छतरपुर से आए इन कलाकारों के पास कई ऐसे खिलौने थे जो आपको अपने बचपन की सैर करवा दें। मेले में वेस्ट से वंडर बनाने की कला का भी प्रदर्शन किया गया। इंदौर के एक महिला स्वयं सहायता समूह से आई महिलाएं गोबर से बनने वाले उत्पाद लेकर आई थी।
इस मेले का आकर्षण जहां राज्यों के ये पवेलियन रहते हैं, वहीं इसके साथ लोग यहां अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए भी पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहां बने फूड कोर्ट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि लोग आसानी से अलग अलग राज्यों की पहचान कर सकें और वहां के जायकों का लुत्फ उठा सकें। हस्तशिल्प और हस्तकला को देखना हो तो सरस से अच्छा कुछ नहीं। यही वजह है कि मेले में सरस का अलग से पूरा एक पंडाल था, जहां एक साथ सभी राज्यों से आए हस्तशिल्प को देखा और खरीदा जा सकता था। कर्नाटक की पहचान चन्नपटना खिलौनों ने यहां लोगों को खूब लुभाया। ये वही खिलौने हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में भी कर चुके हैं। पुराने जमाने में इन खिलौनों को आइवरी वुड से बनाकर इन पर पॉलिश की जाती थी। मौजूदा दौर में इन खिलौनों का निर्माण सागौन, गूलर, देवदार, रबर वुड और पाइन वुड आदि की लकड़ियों से किया जाता है। इन खिलौनों को GI टैग मिला हुआ है और इनका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। यही कॉयर बोर्ड इंडिया और नेशनल जूट बोर्ड ने भी अपने अपने पंडाल सजाए थे। कॉयर बोर्ड के पवेलियन में नारियल के पेड़ से बनने वाले उत्पादों को देखकर हर कोई हतप्रभ था। कहा जाता है कि नारियल का एक पेड़ 100% इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यानी कि इससे कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता है। साथ ही जूट से बनने वाले डिजाइनर वस्तुएं, ज्वेलरी और जूते चप्पल भी लोगों को खूब भा रहे थे। मेले में आए लोगों को यहाँ आकर खूब मजा आया। ऐसा लग रहा था जिसे लोगों ने राहत की सांस ली हो कि चलिए जीवन सामान्य हुआ। क्योंकि लास्ट ईयर आए थे, कोविड की वजह से बहुत कम थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है, तो इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। इवन दैट जैसे स्टार्ट होना था 14 से मेरा बेटा कहता है नहीं मुझे जाना है, बिजनेस आवर्स में जिद करता है। 2 साल तो रफली घर में हर कोई बैठा ही रहा लॉकडाउन के टाइम और बाद में भी कोविड से, लेकिन इस पाल जो लगा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से वही रौनक और सब स्टेट वाले आए हुए, मतलब देख के अच्छा लग रहा है। पूरी कंट्री का डिफरेंट स्टेट से क्या क्या उनका यूनिकनेस है, लाइक कुछ आर्ट्स हैं, क्लॉथ्स हैं, तो सब पता चलता है। लाइक अभी फिजिकली हम कहीं नहीं जा सकते, तो लाइक हमें यहाँ पर आके काफ़ी पता चलता है कि यहाँ पूरे कंट्री में कैसा कैसा है। हम 3 लेडीज हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, साड़ीज की यानी इज लाइक ओके कर लो तुम्हें जो करना है। आई एम सो लाइक अभी 3 साल के बाद घर से बाहर निकलना बहुत अच्छा लग रहा है और श�पिंग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मम्मा को 5 साड़ी दिलाई हैं तो रियली अ गुड फेज रियली। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इतने 2-2.5 साल बाद हुआ है तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। इज अ बिग चेंज और मलॉटनस लाइफ थी आइसोलेटेड एरिया में, कन्फाइंड द हाउस फॉर डेज एंड डेज, ये एक बहुत अच्छा फीलिंग है। आई थिंक सो इट्स वेरी गुड फॉर योर पर्सनल एनर्जी, फॉर योर मेंटल एनर्जी एंड व्हाट नॉट। यू जस्ट ऐड एवरीथिंग पॉसिबल, यू बिकम अ हेल्दी मैन कम हियर, वॉकिंग अराउंड, मूविंग अराउंड, बिल्डिंग अप द सेम स्पिरिट विच यू हैड अर्लियर। एंड व्हेन विद द कमिंग ऑफ द कोविड, तो वो तो है जो प्रॉब्लम्स आते रहे हैं, तो और वो जो एक रिस्ट्रिक्शन था उसे तो लेकर आए बाहर, बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल ओकेशन। इस मेले में लोगों ने खूब खरीदारी की, कलाकारों से बातें की, उनके साथ और अपनों के साथ फोटो भी खींची। लंबे समय अंतराल के बाद आयोजित हुआ ये भव्य मेला हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े स्थानीय कलाकारों और आम जनता दोनों के लिए उम्मीद जगा गया। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट TV। नमस्कार।